देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। डिबाई के दिगंबर पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार ने बांटे स्मार्टफोन। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे, उन वादों पर खरा उतरते हुए आज डिबाई के दिगंबर पीजी कॉलेज में नवनिर्वाचित विधायक सीपी सिंह लोधी के कर कमलों से 67 स्मार्टफोन और छात्र छात्राओं को बांटे गए। 33 नंबर है लवली। स्मार्टफोन पाने वाले 52 छात्राएं और 15 छात्र रहे। स्मार्टफोन वितरण के दौरान विधायक सीपी सिंह लोधी ने सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और हमेशा सभी जाति और धर्म को एक ही सम्मान देते हैं। विधायक सीपी सिंह लोधी ने स्मार्टफोन पाए सभी छात्र छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल हमेशा अपनी पढ़ाई और पढ़ाई से संबंधित ज़रूरतों के लिए ही करें। स्मार्टफोन का दुरुपयोग तो बिल्कुल ही ना करें, वरना आपका कैरियर भी खराब हो सकता है। अंत में विधायक सीपी सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप ही देश का भविष्य हो। आप में से ही कोई कल IAS IPS बनकर देश की सेवा कर सकता है, इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने क्षेत्र और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इस मौके पर विनेश लोधी, भोला भैया एडवोकेट, राजवीर सिंह एडवोकेट, योगेंद्र फौजी आदि मौजूद रहे। क्या आयोजन है सर, और इसमें शासन की भूमिका जो है, जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें बच्चे किस स्तर तक लाभान्वित होंगे? हमारी ये योजना है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की यूपी स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के अंतर्गत मेघावी छात्र जो है ना, हमारी इसके क्या नाम है, छात्रों के स्नातक वाले के लिए ये योजना चलाई गई है। इससे हमारे जो है छात्रों का भविष्य सुधारेंगे, इससे नौकरी ढूंढने का भी इनको आसान तरीका है और अपने जितने भी कार्य होते हैं बैंक के, जितने रजिस्ट्रेशन के, छात्रों के, नौकरी के, सभी इसके माध्यम से सुचारू रूप से चलेंगे। हमारी सरकार की पूरी मंशा है कि पूरी डिजिटल तरह हमारे क्षेत्र के जो है बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे डिजिटल की तरह पूरा पूरा कार्य करेंगे। घर बैठे ही सभी कार्य उनके शुरू होंगे मोबाइल के जरिए। अब तक कितने फ़ोन और टैबलेट बांट दिए गए हैं और कितने का आगे का प्लान? अब तक लगभग हमारे प्रदेश में 2.5 लाख स्मार्टफोन बांट दिए हैं और आगे 1 करोड़ की अभी हमारी जल्दी में ही सरकार की प्लानिंग है, 1 करोड़ स्मार्टफोन बांटने हैं। इसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ का बजट भी सुनिश्चित कर दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध हैं। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।